सैनिकों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मीट मांस की दुकानें बंद किए जाने को लेकर उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दुकान बंद कराने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि मंगलवार के दिन नगर का मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहता है, लेकिन मीट की दुकानें बंद नहीं रहती। उन्होंने मंगलवार को बाजार के साथ साथ मीट की दुकानों को भी पूर्णतः बंद कराने की मांग की। नगर के शिव सैनिकों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कि अन्य शहरों की भांति सितारगंज में भी मंगलवार को मीट मांस की दुकानें बंद करवाई जाएं, क्योंकि मंगलवार सितारगंज का साप्ताहिक बंदी का दिन भी है। साथ ही बिना सिलेंडर हाउस की मीट मांस की बिक्री की जा रही है एवं बिना लाइसेंस के मीट व्यवसायी खुले में मीट मांस की बिक्री करके व्यवस्थाओं की अनदेखी कर रहे हैं। शिव सैनिकों ने इस ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि ज्ञापन देने से कोई कार्यवाही नहीं होगी तो शिव सैनिक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर कहा कि मंगलवार को मार्केट बंद रहता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मांस बेचने वालों की सभी दुकानें हैं खुली, जबकि मंगलवार का विशेष दिन हनुमान जी का है। पूजा पाठ व मंदिर में जाकर हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, इसीलिए सितारगंज के सभी शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है मंगलवार जो है शुद्ध दिन माना गया है हमारा, ठीक है। और इसमें जो है ये मीट की दुकानें या मछली की दुकानें जो भी हैं वो खुलेआम ना होनी चाहिए, ठीक है, और बंद भी होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी के अनुसार। इसमें सहयोग रहेगा वो बंद कराएंगे दुकानें मंगलवार की बिक्री होती है, जिससे कि भी आम जनता को जो श्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको भी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। एक तो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से जो है जितने बूचड़खाने हैं सब चल रहे हैं सितारगंज में, इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये हम जिलाधिकारी और तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं ताकि इस पर रोक लगाई जाए। और वैसे भी साप्ताहिकी का मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन साप्ताहिकी के रूप में बंद होना चाहिए, और यही हमारा प्रार्थना निवेदन करने आए जिलाधिकारी महोदय।